तो बेसिकली मोहनलाल जी, अपन को समझना ये है कि हम कितने जल्दी 100 करोड़ या उससे ऊपर पहुंच सकते हैं, लोगों को बिना बदले जो वो काम कर रहे हैं वो ही करते रहें, केवल उनकी नकारात्मकता को खत्म करते हुए सकारात्मक एनर्जी को जागृत करके, और उन सबके जो प्रभाव मंडल हैं, जो अपन जिनको फैसेट कह रहे थे, उन फैसेट से जुड़े हुए लोगों की अपन सूची बना के यदि अपन हर दिन 10 लोगों को जोड़ते हैं, तो हम 9 दिन में जो है वो 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। देखो, जैसे अज्यूम करिए, आज हम माने कि आज ही हमने ये प्रक्रिया चालू की, राइट, और हमने आज 10 लोगों को जोड़ा, जिसमें मोहनलाल जी वर्मा पहले व्यक्ति हैं, राइट। इसके बाद 9 लोगों को और जोड़ा, तो हम पहले दिन कितने हो गए, 10, राइट। अब वो जो 10 लोग जुड़ गए हैं, उन्हें 10 10 लोगों को जोड़ना है संकल्प के साथ। जो संकल्प हमने लिया, वही संकल्प अपने से जुड़े लोगों को दिलाना है, और फिर उनको भी आगे वही कार्रवाई करना है। तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, 10 लोग 10 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे कि नहीं। ना हो जाएंगे। तीसरे दिन हम 1,000 हो जाएंगे, चौथे दिन हम 10,000 हो जाएंगे, पांचवें दिन हम 1 लाख हो जाएंगे, छठवें दिन हम 10 लाख हो जाएंगे, सातवें दिन हम 1 करोड़ हो जाएंगे, और आठवें दिन हम 10 करोड़ हो जाएंगे, और नौवें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति पहले दिन जुड़ा है वो 90 व्यक्तियों को जोड़ रहा है। मतलब मान लो मैत्री शरण गुप्त ने शुरुआत की, तो हम कितने लोगों को जोड़ेंगे, 90 लोगों को। लोगों को और आप जो है दूसरी उसमें जुड़े हैं, पहले 10 वाले में जुड़े हैं, तो आपको 9 दिन में, 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना है, राइट। ठीक है अब ना। जो तीसरे दिन जुड़ रहा है उसको 70 जोड़ना है, राइट, ठीक है ठीक जो चौथे दिन जुड़ रहा है उसको 60 ही जोड़ना है। इस है ठीक तरीके से जो 9वें दिन जुड़ेगा उसको मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, राइट। है ठीक इसका है। मतलब है कि यदि हम एवरेज निकालें, तो जो 9वें दिन जुड़ रहा है जो वो 10 लोगों को जोड़ रहा है, और जो दिन पहले दिन जोड़ रहा है वो 10 को जोड़ रहा है, राइट। तो 9 प्लस 10 100, 100 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति 50 लोगों को जोड़ेगा, तो वो जो है हम 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो क्या हम अपने प्रभाव क्षेत्र के ऑन एन एवरेज 50 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आसानी से जोड़ सकते हैं? अच्छा, हाँ और जब आप 100 करोड़ लोग जुड़े होंगे, और जो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा, जो 1,000 लोगों को जोड़ेगा, उसे हम महाऊर्जा केंद्र कहेंगे, राइट। और उससे अधिक जितने को जोड़ेगा वो उस इस जो जोड़ने की प्रक्रिया, इसको पोटेंसी कहेंगे, राइट। ठीक है। तो इस पोटेंसी के आधार पर हम बाद में जो है टिकट बांटेंगे, करेक्ट। तो जो जितने ज्यादा बड़ा ऊर्जा केंद्र है, जितनी ज्यादा उसकी पोटेंसी है, उसके आधार पर उसे एमएलए और एमपी के टिकट को पारदर्शी तरीके से दिया जाएगा, राइट। अब जो है आपसे जुड़े हुए 9 दिन में आपने 100 करोड़ जोड़ लिए हैं, मान लें अपन 137 करोड़ को जोड़ लेते हैं, राइट, या जितने भी जुड़ जाते हैं, अब वो हमारे संकल्प से जुड़े हुए हैं, राइट। हम संकल्प जो है हमारा करने का क्या मकसद तरीका रहेगा, कि हम थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, संकल्प करेंगे। तो उस संकल्प शक्ति से हम बिना चुनाव प्रचार के अपने महाऊर्जा केंद्रों को, एमपी और एमएलए, बिना किसी चुनाव प्रचार के उनको बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? नहीं बना तो पाएंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। हाँ, क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या है कि हम लोग जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हाँ, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से प्रतिबद्ध हैं। नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं, आप आपको, मेरी बात तो सुनो। हाँ, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से प्रतिबद्ध हैं, ठीक है, और उस पार्टी से प्रतिबद्ध हम आज से नहीं, हमारे बचपन से हैं, करेक्ट, और उनसे संबंधित संगठनों में हमने पूरी उम्र गुजार दी, बिल्कुल ठीक है, और वहां हमारी कोई ना कोई आइडेंटिटी है, बिल्कुल ठीक है, और हमारा परिचय क्षेत्र भी वही है जिसमें हमारी आइडेंटिटी है। तो बिल्कुल ठीक है, हम जो आप बता रहे हैं उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो उसी परिचय क्षेत्र में बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है,
और जब फिर वहां ये जो टिकट बांटने वाली बात है, नहीं नहीं देखिए मेरा दो एक कहना, मिनट एक नहीं मैं मिनट की इसको बात। एक्सप्लेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको, फिर आप पूछिए। एक्सप्लेनेशन उसमें ये है कि अज्यूम करिए कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या बीजेपी से जुड़े हुए हैं, राइट, और आपको वो टिकट दे देते हैं और आप उसी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते तो बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सवाल वो नहीं है, सवाल हाँ ये है कि जो संगठन चलाता है ना नेतृत्व, हाँ और अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो विंग्स हैं उनसे जो वो काम लेता है, हाँ वहां जब उसको ये लगता है ना कि क्या नाम से भाई हमारा ये कार्यकर्ता क्या नाम से दूसरी एक्टिविटीज में सक्रिय हो रहा है या इसके खिसकने की संभावना बढ़ती है, तो हाँ फिर हाँ वो उसको उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो अच्छी बात है कि आप उनसे उसी तरीके से ट्रीट होना चालू करें, क्योंकि ये लोग तो इस देश का भला करने वाले नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, ये तो हम ऑप्शन आपको बाद में दे रहे थे, आप ये तो आज, यदि आज आप डिसाइड कर लें कि इन्होंने अब तक आपको क्या दिया, आगे चल के क्या देंगे। अच्छा दूसरी बात है कि इनकी सोच में ही नहीं है अच्छा करना। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जो है जब ये देश बन रहा था और वर्किंग कमेटी में जो है नेहरू को 0 वोट मिला था और गांधी जी ने अपने प्रभाव का यूज किया, सरदार पटेल से कहा कि आप जो है जवाहरलाल नेहरू के फेवर में चले जाइए, जब जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिला था और सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे, तो 0 वोट पाने वाला वो जो है ना प्रधानमंत्री बने, और वो जो है और सरदार पटेल 12 वोट पाकर वो जो है ना उसकी माथस्ता करें, और गांधी जी कहते हैं कि नहीं तो नेहरू नहीं मानेगा, तो नेहरू कितना बड़ा राष्ट्रभक्त था कि 0 वोट पाने के बावजूद भी वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था और अपने जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री बना रहा। उसने आपके ऊपर अंग्रेजों के जो गुलामों वाले नियम हैं उनको एज इट इज थोप दिया। इस दुष्ट व्यक्ति ने आपके ऊपर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, वो जो अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई थी, जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, वो आपके ऊपर यथावत थोप दी है। देखो सर ऐसा है, हाँ नहीं मेरी बात ध्यान से सुनिए, तीन सुन रहा हूँ तीन मैं, आपकी तीन बात समझ तीन भी रहा हूँ। देखिए तीन अंग हैं, एक अंग है नियम कानून का, तो नेहरू ने वो सब नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे वो आप पे थोपे कि नहीं थोपे, हाँ, तो आप गुलाम नहीं कहलाए कि नहीं कहलाए। सर आप मेरी एक मिनट मेरी बात सुने। हाँ मैं आपकी तो पूरी 200% बात सुनूंगी, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे मैं ये चर्चा जारी रखूंगा। हाँ ठीक हाँ है, ऐसा बताइए। ऐसा है, मेरा इसमें इतना सा कहना है, जो जी आप कह रहे हो वो ठीक है, और ऐसा नहीं है कि क्या नाम से ये चीज संभव नहीं है, संभव भी है ये क्या चीज जो क्या आप संभव कह रहे नहीं हो। है? नहीं ऐसा नहीं है कि ये चीज संभव नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो संभव भी है, मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा मैं आपसे एक चीज और पूछूं, यदि हाँ वो संभव है तो हाँ आपको जो है उसे अडॉप्ट करने में क्या कोई नुकसान है? नहीं, सवाल नहीं, को मेरा अभी मेरा नुकसान। दूसरा आपको काउंटर सवाल है। एक तो सवाल है कि संभव है लेकिन सब बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा दिक्कत नहीं है, बड़ी रिस्क नहीं है, मुश्किल तो नहीं, मेरा मुश्किल काउंटर भी क्वेश्चन आपसे ये है कि नहीं, क्या कोई मुश्किल रिस्क भी है उसमें? नहीं, मुश्किल भी नहीं है और रिस्क अच्छा भी नहीं है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझने का प्रयास करें। हाँ, चलिए करता हूँ, बताइए बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस रिवॉल्यूशन की आप कल्पना कर रहे हैं ना, हाँ। उस रेवोल्यूशन को लाने के लिए चुनावी प्रक्रिया से नहीं आ सकता है वो। वो चुनावी प्रक्रिया से ही आएगा, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति आपको चुनाव की प्रक्रिया से ही मिलेगी। आप आंदोलन के माध्यम से, ये बताइए अन्ना जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया अन्ना और जी वो फेल हो सफल, गए जस्ट ए ना। मिनट जस्ट ए मिनट, वो सफल भी हाँ हुए, हाँ उन्होंने लोकपाल एक्ट बनवा भी लिया, हाँ मार्च 2019 में लोकपाल महोदय अपने पद पर भी बैठ गए, हाँ लेकिन क्या जो है देश में भ्रष्टाचार में 0% भी कमी आई है क्या? ना नहीं आई बल्कि बढ़ाई है। तो क्यों नहीं आई है? क्योंकि जो है कानून बनाने वाले उसमें छेद छोड़ेंगे और फिर वहां उन लोगों को बिठाएंगे जो जिन्हें ना काम करने के लिए ही बिठाया गया है। तो सर मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि कानून भी बनाता तो व्यक्ति ही है ना,
नहीं जब तक देखिए, हम व्यक्ति को परिवर्तित नहीं करेंगे ना। तो व्यक्ति तो परिवर्तित हो गया है ना। देखिए मैथिली शरण गुप्त जो है वो सब परिवर्तित हाँ चीजों की बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल मैथिली ठीक शरण है। हाँ गुप्त आपसे बात कर रहे हैं कि नियम कानूनों में बदलाव होगा। हाँ मैथिली बिल्कुल शरण बिल्कुल गुप्त ये बात कर रहे हैं कि नेहरू जी ने षड्यंत्र करके आपके ऊपर पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 घटिया एक्ट बना के थोपा था, जिससे कि वो हाँ जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री बने रहे और उनके हाँ बच्चे भी प्रधानमंत्री रहे। हाँ अदरवाइज आप ये बताइए कि उसमें से एक पॉलिटिकल पार्टी निकल के आई जिसका रजिस्ट्रेशन का सिस्टम रखा गया है। उस नियम कानून में इंटरनल डेमोक्रेसी, क्या ये पार्टियां करेंगी क्या नहीं करेंगी, क्या करेंगी जिसके कारण ये जेल जाएंगी, क्या करेंगी जिनको हम सपोर्ट करेंगे, ये एक धेले भर की बात लिखी है क्या? नहीं, ये कुछ भी नहीं करेंगे जी। क्या नाम सर, नहीं, ये तो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए काम कर रहे तो हैं। भाई ये सत्ता जो है, देखिए सत्ता के तीन अंग हैं। एक है हाँ नियम कानून, दूसरा है व्यवस्था जो कि उस नियम कानून को पालन करती है, और तीसरी होती है पॉलिटिकल सत्ता जो उसके ऊपर बैठ के नियम कानून और बाकी चीजों को नियंत्रित करती है, नहीं, राइट? तो वो ठीक है सर, लेकिन आज वो की जो देखो ये मेन मेरी दोनों बात, चीजें जो है नेहरू जी ने आपके लिए, आपके ऊपर अंग्रेजों की बनाई हुई गुलामियत वाली आपके ऊपर थोप दी। नहीं नेहरू जी ने क्यों, नेहरू जी के बाद में जितने ही आए वो सब उसी को तो भाई सपोर्ट नेहरू जी करते ने रहे, उसी शुरुआत नीति की को और पीटते बाकी रहे, लोगों तो को भी तो उसमें मजा आ रहा है भाई, आपके हित में क्यों सोचे वो? इसलिए इनका तो आज की हमारी डेमोक्रेसी की तो स्थिति ये हो गई कि पहले सत्ता लेने के लिए नाटक करते रहो और उसके बाद में सत्ता को बनाए रखने के लिए नाटक करते रहो। सत्ता को बनाए रखने के लिए नहीं, सत्ता के माध्यम से अपना लाभ करते रहो, लोगों को मूर्ख बनाते रहो। वो हो गया, वो लाभ के लिए ही तो क्या नाम से वो सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। करेक्ट। तो अब सवाल ये खैर उठता चलो, है, नहीं, अब सवाल ये उठता है कि क्या हाँ आपके पास और कोई विकल्प और कोई रास्ता है, या ये बदलाव का आधार हम पार्लियामेंट हाँ के मंदिर में बैठकर ही करना होगा? तो मेरा ये नहीं, मानना है कि हमें पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर वो सब काम करना होगा, और हाँ वो क्या काम करना है उसकी सूची भी क्राइम फ्री भारत ने ऑलरेडी पब्लिश की है, राइट? जो स्टार्ट कर रही है, आप देखिए 16-17 पॉइंट है उसमें, आप ध्यान से पढ़िए उसको। वो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी कह रही है, सब कह रही है। मूल बात वो ये कह रही है कि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाना होगा, क्योंकि पार्टी अपने बीच में ठेकेदार बन गई है, इन्होंने डेमोक्रेसी का गला घोट दिया है। अब आप ये बताइए ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं किनको वोट दे रही हैं? आप मुझे बताएंगे? पहले जो है ना ये पैसे लेके वोट देती हैं, वो देती हैं टिकट देती हैं, फिर अपने हाँ नेताओं को टिकट देती हैं, फिर खैर सारे सारे तो नहीं जाति देते और हैं, धर्म के हर आधार पर उन हाँ अयोग्य व्यक्तियों को टिकट देती हैं जिनकी जीतने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल फिर चौथा बिल्कुल जो है ये टिकट देती हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए लोग जो अपने लाभ के लिए इनसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना? और पांचवा जो है ये टिकट देती हैं अपराधियों को, क्योंकि सेशन के पहले तो ये अपराधियों को यूज करते थे प्रोसेस में, टिकट नहीं देते थे। तो गुंडों के दो गैंग बनते थे, एक गैंग का काम होता था जो हमारे फेवर में नहीं है वो पोलिंग बूथ पे नहीं पहुंचना चाहिए, और दूसरे गुंडे का दल होता था उसका काम होता था कि बूथ कैप्चरिंग करके नोट जो है ना वोट छाप दीजिए, ठीक है ना? अब जो है सेशन जी आ गए तो उन्होंने जो है इतने परिवर्तन कर दिए कि ये संभव नहीं रह गया अब, राइट? ठीक है तो राजनेताओं ने कहा कि हम तो तुमसे बड़े हैं, तुम जिन क्रिमिनल्स की बात कर रहे हो जिनको हम बाहर से यूज करते हैं, हम उन्हीं को ही टिकट दे देंगे, तुम्हारी चड्डी में जो है ना पेशाब निकल जाएगी और वो जेल के अंदर से भी जीतेगा। हाँ आपकी यही स्थिति है कि आज जो है ये लोग बेशर्मी से अपराधियों को टिकट बांट रहे हैं। क्या आपको मालूम है उत्तर प्रदेश का जो 2022 का भी चुनाव हुआ है, ये इसमें 403 सदस्यीय जो है विधानसभा गठित हुई है, राइट? और ये 403 सदस्यीय विधानसभा में 205 व्यक्ति आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं उनके अपने एडमिशन के हिसाब से, तो इट कंस्टिट्यूट 51%। इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टियों ने 51% से ज्यादा अपराधियों को टिकट दिए, तभी तो उनमें से 51% जीत गए हैं। हाँ मतलब कुछ तो हारे भी होंगे ना उनमें से, अरे अरे
तो इसका मतलब है कि टिकट तो इन लोगों ने 51% से ज्यादा को दिया, राइट। हाँ दिए दिए। अब उनमें से जो है जीतने वाले की संख्या 51% हो गई। तो अभी आदित्यनाथ जी भले इंसान हैं, इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये मकारी बदमाशी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति तो आपराधिक है। बिल्कुल बिल्कुल इनकी बिल्कुल। प्रवृत्ति तो इतना देश प्रेमी वाली नहीं है। तो क्या इतने लोग मर गए थे कि जो है ना ये अपराधियों को ही टिकट देंगे? तो आप ये किन तरीके के लोगों को टिकट दे रहे हैं? और जिनको आप टिकट दे रहे हो, आपकी मोहनलाल जी स्थिति एक वोट देने वाले गुलाम की है, गुलाम की। हाँ जो जिसको वोट दे रहा है वो व्यक्ति जो चुन के आ रहा है वो जो है आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वो पार्लियामेंट में पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधा है। वो हर समय अपने माथे पर जो है अपनी पार्टी का पट्टा बांधे हुए है। वो तो केवल अपने को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है जी, न मेरे लिए कर रहा है न पार्टी के लिए कर तो रहा है, भैया अपने को ये बनाए रखने के ये लिए। इस व्यवस्था को बदलाव का जब तक कोई सोचेगा नहीं, उसके सूत्रधार नहीं बनेगा, तब तक क्या व्यवस्था चलिए अपने आप बदल करेंगे, जाएगी? जोड़ेंगे कुछ ऐसे आदमियों को जोड़ेंगे जो कि क्या नाम से नींव से काम कर सकें। आप तो जो है ना ये काम का छोड़ दीजिए, काम नहीं करना है। जो जो हाँ कुछ कर रहा है वो वही करता रहे, राइट। हाँ ठीक हम है। तो सिर्फ उससे ये कह रहे हैं, हाँ हम तो सिर्फ उससे इतना कह रहे हैं कि आप संकल्प से जुड़िए और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़िए, और जो हमारे वीडियोज हैं क्राइम फ्री भारत पर उनको सुनिए, उनमें कमेंट लिखिए, जो अच्छा लग रहा है उसको शेयर करिए, उसको संवाद करिए। हर दिन 10 लोगों को जोड़ना है। हाँ ऐसा करते हैं सर, क्या नाम से, अभी तो हमारे यहाँ आज तो नेट बंद है, हाँ कल भी बंद था, हाँ संभावना ये लगती है कि शायद कल भी बंद रहेगा। ये आपके यहाँ जो उदयपुर में हत्या हुई है उसके कारण? हाँ 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 उसी के कारण से पूरे राजस्थान में ही बंद है। तो ये देखिए कितनी शर्म की बात है कि यहाँ पे इस तरीके की हत्याएं होती हैं और हम जो है सहने वाले बने हुए हैं, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति हमारा जो है क्लाइंट है वो आके हमको धोखे से छुरा घोंप देता है, ये कितनी विडंबना की बात है। हाँ तो ये 3 दिन तो बंद है, हाँ फिर मैं उसको, आपने जो है बताया है टीचमेंट, उसको टीचमेंट ऐप, डाउनलोड कर, हाँ हाँ उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। देखो फिर एक दिन अपन जब आप बातचीत। टीचमेंट ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो आपका नाम पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, उस पर वो ओटीपी भेजेगा, उसको वेरीफाई करेगा और आपसे पूछेगा कि आप किस हैसियत से जुड़ना चाहते हैं, राइट। तो उसमें बेसिकली ये टीचिंग के लिए बना हुआ ऐप है ये, तो उसमें जो है वो आपको ये लिखना पड़ेगा क्या यू वांट टू इनरोल एज ए स्टूडेंट, राइट। अच्छा, तो आप एनरोल्ड एज हमारे स्टूडेंट, स्टूडेंट हुए और मैं आपका टीचर हुआ, वो कहेगा ठीक कि है मैथिली ठीक शरण गुप्ते जी और टीचर, राइट। ठीक है ठीक ठीक है। है ना। तो चूंकि मैं वैसे भी अब अभी पथ प्रदर्शक का काम कर रहा हूँ, वो नियम कानून टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ, और वो चीज को जो है 2017 से जो है ना पिछले कहना चाहिए 5 साल से एग्रेसिवली कर रहा हूँ, और उसमें कुछ सफलताएं भी मिली हैं, लेकिन वो सफलताएं इतनी नहीं हैं कि ये देश बदल जाए। चलो मैं ऐसा करूंगा जी, उसको डाउनलोड करके आपको फोन करूंगा, ठीक है फिर अपन एक दिन की बातचीत रखेंगे, उसको आप रिकॉर्डेड करके मुझको भिजवाना। वो तो हमने आपको पहले भी भिजवाई है आप पहले भिजवाई थी, वो बहुत पुरानी बात हो गई। जी, आज की भी भिजवाएंगे, अभी भी ये बात रिकॉर्ड हो रही है। हाँ लेकिन अभी तो नेट चल नहीं रहा है ना, आई नहीं मेरे पास में। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी ये तो जाएगी टीम, इसको जो है ना वीडियो में कन्वर्ट करेगी तो समय लगता है उसमें। फिर तो बाद में मैं उसको मेरे कुछ लोगों के पास में भेजता हूँ और उनको नहीं, आपसे लेकिन जोड़ता उसमें हूँ। आपको दो काम तो करना ही पड़ेंगे यदि हाँ आप जो है इसमें व्यवस्था में, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई अहित नहीं हो रहा है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं, आप चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, रेल रोको नहीं कर रहे हैं, तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, जंतर मंतर नहीं जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं, आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि हाँ सत्ता में बैठे लोग आपके खिलाफ जो है झूठा मुकदमा कायम कर लें, आपके ऊपर लाठियां भांजें या गोली चलाएं या आपको हाँ जेल में बंद करें, ऐसा कुछ करने की उनकी क्षमता ही पैदा नहीं होगी, नहीं क्योंकि नहीं आप नहीं ठीक 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 है, वो सारी बात तो मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं इसको डाउनलोड करके आपको रिंग करता हूँ। ठीक है ठीक है। तो उसके उसके पहले जो है जो दूरभाष पर और जो फेस टू फेस आप लोगों से जुड़ाव की बात कर सकते हैं
उतना तो आप कर ही लीजिए, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि जो है एक दिन कम होगा तो एक दिन पीछे हो गए ना हम, हाँ नहीं ठीक है। तो बूंद बूंद से ही घड़ता घड़ा भरता है। देखो हमने एक्सप्लेन किया कि 1 से हमने शुरू किया और मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, और जब हमारा कुछ नहीं जा रहा है और हमारे में कोई बदलाव करने की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो यथावत करते रहेंगे, और इसके बाद इतनी बड़ी शक्ति के साथ हम जो है ना ये बदलाव भी ला सकेंगे, जो कि आपने खुद कहा कि संभव भी है, इसमें ऐसा कोई असंभव जैसी बात नहीं है, और हमारा कोई नुकसान भी नहीं है, फिर ना करना तो मेरे ख्याल से क्या कहा जाए, इसे मूर्खता कहा जाएगा, क्या किस क्या क्या शब्द यूज करना चाहिए, किसके लिए? यदि संभव है, आप जो है कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, इससे आपका भला हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है, और इसके बावजूद भी यदि हम इसे नहीं करते हैं तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, नहीं? इसे इसे तो ये कहेंगे कि हम कालिदास जैसा जिस दगाल पर बैठे हैं हम उसी को काट रहे हैं, और समझने के लिए तैयार नहीं है कि भाई जो दगाल पर हम बैठे हैं वो कट जाएगी तो हम नीचे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। क्या है, मुझे कहीं जाना है। जी जी जरूर जरूर जाइए, आप जरूर जाइए। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जी 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 मुझे कहीं जाना है। हाँ हाँ मुझे पता है कि मैंने टिकट लिया है ट्रेन का, ठीक है, और रिजर्वेशन भी करवाया है। हाँ हाँ जब मैं रिजर्वेशन के कंपार्टमेंट में जाता हूँ तो आजकल ये जो बच्चे स्टूडेंट्स परीक्षाएं देने के लिए जाते हैं ना, उन्होंने पूरे कंपार्टमेंट को ऑक्यूपाई कर रखा है। अब लेकिन मुझे तो मेरे डेस्टिनेशन पे जाना है ना, तो सारी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए, मैं लड़ूं या मेरे अंदर वाला क्या तैयार हो गया है क्या? कर दिया है तो फिर बाहर का कर दिया। सॉरी सॉरी। तो मेरी प्रायोरिटी तो ये रहेगी ना, मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है पहले। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं अगर व्यवस्था के हिसाब से उस ट्रेन को छोड़ूं और वहां सारे झगड़े करूं, कानूनी प्रक्रिया को अपनाऊं, तो फिर मैं वो नहीं कर सकता हूं। नहीं लेकिन यहाँ तो कोई आपको झगड़ा नहीं करना पड़ रहा है ना। यहाँ तो आपको नहीं, इस उदाहरण में आपको कहीं झगड़ा करना है क्या? अजी ये मैंने एग्जाम्पल दी है आप। नहीं तो वो एग्जाम्पल मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ बिना झगड़े के सिर्फ अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों में ऊर्जा जागृत करके, ज्ञान जागृत करके और उन्हें जोड़कर हम वो बदलाव ला रहे हैं जिसमें हमारी रिस्क जीरो है, हमें ना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ना हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो वो हमें इसमें लग जाना चाहिए, और हम जब सब लोग लगेंगे तो ये परिवर्तन अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि परिवर्तन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उस पर काम ऑलरेडी चल रहा है। नहीं इस परिवर्तन के लिए, उस परिवर्तन के अंदर जो अपनी आहुति दे सके ना, ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। नहीं लेकिन आपको आहुति क्या देना है? आपको कोई आपको तो कुछ भी नहीं देना है, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से सिर्फ संकल्प के आधार पर उन्हें जोड़ना मात्र है। तो हमारे प्रभाव के क्षेत्र में जो लोग हैं ना, हाँ वो भी तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ना। हाँ तो जुड़े रहने दो ना उनको, हम कहाँ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो जिससे जुड़ा हुआ हो और उसको लगे कि यदि मान लो वो हमारा भला नहीं कर पा रहा है तो उसको छोड़ना चाहता तो छोड़ दे, लेकिन हम तो नहीं कह रहे हैं कि छोड़े। जो बीजेपी से जुड़ा है वो बीजेपी से जुड़ा रहे, जो कांग्रेस से जुड़ा है वो कांग्रेस से जुड़ा रहे। भाई ये कांग्रेस है बीजेपी, आपके अंदर अपनी पॉजिटिव एनर्जी जागृत करने में यदि उसको प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है बहुत ही धूर्त और बदमाश और हरामी लोग हैं, फिर तो उनके साथ रहना नहीं चाहिए हमें। और अदरवाइज हम जो है ना किसी पार्टी को छोड़ नहीं रहे हैं। आप जो है आरएसएस से हैं, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आरएसएस का बिल्कुल जोर से सिद्धा के साथ काम करिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपने से जुड़े लोगों को जोड़िए जिससे हम भारत को बदल दें, क्योंकि ना तो कांग्रेस बदलने वाली है ना भाजपा बदलने वाली है, उसको बदलने के लिए तो कोई नई व्यवस्था ही लाना पड़ेगी, और वो व्यवस्था नहीं तो संघ यही तो काम कर रहा है। नहीं संघ नहीं कर रहा है, यदि संघ ये काम कर रहा होता तो कुछ परिणाम उसके सामने आते हैं ना, कर बहुत आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है साहब। नहीं मेरा ये कहने का मतलब है कि हम फिर उस तरीके से नहीं कर रहे हैं ना। जैसे अज्यूम करिए आपने आपने जस्ट मिनट, हम आप जो आपने कहा है तो उसका जवाब सुन लीजिए।
वो आप उस ढंग से नहीं कर रहे हो। जैसे आपने एक आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि हर व्यक्ति को, हर भारतीय नागरिक को अपनी कॉन्शंस का और फेथ के हिसाब से धर्म मानने का और प्रचार करने का हक है, आर्टिकल 25 ये कहता है, राइट। ठीक है। तो उस समय जो है मोहन लाल वर्मा जी मेरे गले पे आके तलवार जो है ना तलवार नहीं रख सकते हैं कि हे तू मेरे धर्म को मान, नहीं तो तू काफिर है, तेरा फेथ और कॉन्शंस जाए तेल लेने, मैं तेरा अभी बिल्कुल। सर कलम कर दूंगा और मुझे जन्नत मिलेगी और 72 हूरें जो है ना हमको मिलेंगी तो मैं तेरा सर कलम करूंगा। तो ठीक हमारे है। आर्टिकल 25 का क्या हुआ? कुछ नहीं तो हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो इसका हाँ मतलब ये है कि इस आर्टिकल 25 को जमीन पे उतारने के लिए छोटा सा हाँ नियम कानून बनाया जाए कि हाँ ठीक है। हर कोई जो है जो दूसरे की फेथ और कॉन्शंस से खिलवाड़ करे, उसको थ्रेटन करे, उसको जान लेने की बात करे, तो ये बात करना अपने आप में एक अपराध होना चाहिए। मदरसे हाँ पे जो लेकिन पढ़ाएगा वो एक अपराध होगा, तो हाँ जो भी बात करेगा तो वो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन वेलेबल अपराध होगा, 15 से 20 साल की सजा होगी, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा, राइट। और यदि मान लो कोई दुष्ट व्यक्ति, नालायक व्यक्ति समझ नहीं रखता है, इसके बाद भी सर कलम कर देता है किसी का, तो उन सब लोगों का खोजा जाएगा जिन्होंने उसको बरगलाया है, और वो भी उसी अपराध के अपराधी होंगे, हत्या के, और उनकी भी संपत्ति जब्त करेंगे। तो जो पीछे बैठ के लोगों को बरगलाते हैं उनका बरगलाना करने की हिम्मत और औकात दोनों खत्म हो जाएगी। अब इसमें तीसरी बात समझिए, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, पुलिस को तो आपने एक हाथ का खिलौना बना दिया है, ठीक है। और भारत का हर नागरिक जो है वो पुलिस अधिकारी है, राइट। उसे गिरफ्तार करने का अधिकार आर्टिकल तो है, सॉरी सेक्शन 43 CRPC में दिया गया है। तो अब आवश्यकता ये है कि हम भारत के हर नागरिक को जो है ट्रेनिंग दें, राइट, उसको सबल बनाएं और एक हथियारों का जखीरे का केंद्र बनाएं कि जहां कहीं किसी को कोई असुरक्षा फील होती है तो वो अप्लाई करे, वहां से शासन का जो हथियार उसे मिल जाए और सही वो है। जो पुलिसिंग का उसे पावर है वो पावर करे। और सेक्शन 100 CRPC कहता है कि यदि कोई किसी को जो है जिंदगी को थ्रेटन करता है, आपकी जिंदगी को थ्रेटन करता है, आपकी संपत्ति को थ्रेटन करता है, या दूसरे की संपत्ति को थ्रेटन करता है, तो सेल्फ डिफेंस में आप उसकी मौत कारित कर सकते हैं। तो जो इतने जाहिल लोग हैं इनको गोली मारी जाए, और वो भी कानून के तहत मारी जाए, फिर बताइए जो है ना ये सब जो है ना ठीक हो जाएंगे, दड़बे में घुस जाएंगे कि नहीं घुस जाएंगे? आपकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी सशक्त व्यवस्था पैदा करने की सोच ही नहीं रखती है। हाँ नहीं रखती है, नहीं रखती है। तो जब जब आप सोच देखो सोच रखोगे तब भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये एक संदिग्ध हो सकता है, राइट। ये जब तो आपकी सारी सोच ही चीजें हैं नहीं है साहब। तो आप कभी होने का सवाल ही नहीं उठता है भाई। जो सोचोगे, प्रयास करोगे, तब भी हो सकता है कि ना आप वो जमीन पे उतरे, राइट। लेकिन यदि आपकी सोच का ही हिस्सा नहीं है तो फिर उसको जमीन पे उतरने की कोई संभावना ही नहीं है, नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी राइट। संभावना ही। तो अभी स्थिति यही है। और ये बताइए, ये लोग जो जीत रहे हैं, आप ये बताइए, ये जो है शासकीय उसके पहले तो जो है इनफॉर्मली कलेक्टर SP गाड़ियां वाड़ियां दिला के इनकी मदद करता था। आप मालूम है आपके लोग क्या कर रहे हैं, ये IAS वगैरह, ये जो है अवेयरनेस के नाम पर उसको शासकीय फंड से भुगतान कर रहे हैं, उन गाड़ियों को तेल शासकीय निधि से दिया जा रहा है और अवेयरनेस के नाम पे उसको बुक किया जा रहा है। अब जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको 500-500 रुपए दिया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है और सरकार से भुगतान किया जा रहा है, और ये जो बड़ी भीड़ इकट्ठी की जा रही है ना, ये वहाँ के वोटर हैं ना, उन्हें ये मालूम है कि उन्हें क्यों ले जाया जा रहा है, वो तो सिर्फ इंजॉय कमेंट करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। तो ये कोई बहुत पॉपुलर वॉपुलर लोग नहीं है। सही तो जो खड़े हो रहे हैं ना, उनका चरित्र है, ना शिक्षा है, ना सोच है, 90%, 10% को मान लेते हैं कि शायद उनमें एक काबिलियत हो, 90% लोग जो है यह काबिलियत नहीं रखते हैं कि आपको रिप्रेजेंट करें। सही है। मतलब आप सूची बना लीजिए आपको कितने लोग लगते हैं कि आपको रिप्रेजेंट करने की क्षमता रख रहे हैं, ना उनकी शिक्षा है, ना उनकी सोच है, घटिया लोग, और आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको जो है ना कठपुतली बना दिया है। ये इतने दुष्ट लोग हैं कि इन्होंने पंचायत राज में भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम डाल दिया जिससे इनका कैडर जो है ना गांव गांव में खड़ा हो जाए।
सही है। तो ये बिना कदकाठी के लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, बिना सोच के लोग हैं, ये जो है दिमागी फ्रेमवर्क में मैथिलीशरण गुप्त से नहीं लड़ सकते हैं, इनकी औकात नहीं है। ठीक है सर, ठीक ठीक है ना। तो अब जो है हमने आपके लिए वो फार्मूले तैयार किए हैं जिसमें रिस्क जीरो है, और लेकिन प्रयास करें फिर अपन रिव्यू करेंगे, उसमें यदि कोई मिड कोर्स करेक्शन करना होगा तो वो भी करेंगे। करेंगे है ना। ठीक है सर, ठीक। तो वर्मा जी आप मेरी बात से सहमत तो है ना? नहीं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ। हाँ। लेकिन इसका जो प्रोसेस है ना, इस देखिए मैं आपको बताऊं वर्मा जी, इससे हाँ। कोई दूसरा हटके प्रोसेस सफल ही नहीं होगा। अच्छा। उसका जानते क्या कारण क्या है? हाँ। कि आपको फिर वही गेम खेलना पड़ेगा जो आज की पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। ठीक है। तो एक और व्यक्ति गंदा बन जाएगा, एक और केजरीवाल पैदा हो जाएगा। तो हमें बिना चुनाव प्रचार के, बिना चुनाव में खर्च किए हुए इन इन राजनेताओं को, जिनका कोई पैदा नहीं है, जिनकी कोई शिक्षा नहीं है, जिनकी कोई सोच नहीं है, उन्हें हराना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये योग्य व्यक्ति नहीं है। दे आर नॉट द बेस्ट सैंपल ऑफ द सोसाइटी। दे हैव नो राइट टू रिप्रेजेंट यू। वो सिर्फ आपको इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इन पागल बदमाशों ने जो है ना, सो कॉल पॉलिटिकल पार्टी वाले, इनने उन्हें टिकट बांट दिए हैं। और इनका खुद का चरित्र क्या है, इनकी खुद की शिक्षा क्या है? सही है, ठीक है सर, ठीक है। तो मैं जब तक आपके जो है ना संसार समाधान नहीं होंगे, तब तक मैं आप जो है ना आपको आपको कन्विंस करूंगा, आपको समझाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि बताइए आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, क्योंकि देखो संतुष्ट तो मैं आपकी हर बात से हूँ। ऐसा नहीं है कि क्या नाम से आपके जो आदर्श में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी है। हाँ। लेकिन हमारे पास में अभी तक वैसा एलिमेंट नहीं है, ऐसा एलिमेंट हमको तैयार करना पड़ेगा हम में से। वो आप जो है उसको, कोई एलिमेंट को तैयार नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने से जुड़े लोग जो वर्षों से जुड़े हुए हैं, जो आप में आस्था रखते हैं, उनको रोशनी दिखाना है, उनको ऊर्जाकृत करना है, उनको फायदा पहुंचाना है, उनकी सकारात्मक जागरूकता करना है, उनकी नेगेटिविटी और हताशा और बेबसी को हटाना है, और जब जरूरत पड़ेगी तब उनसे थाली बजवाना है, दीपक जलवाना है और छोटा सा संकल्प का वीडियो चलाना है, बस। ठीक है ठीक है, उनकी प्रसुप्त ऊर्जा को जागृत करेंगे। हाँ, विशुद्ध ऊर्जा को जागृत करके हम जरूर कामयाब होंगे। ठीक है सर, ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।